हनुमान जी देवता थे, भगवान थे, और मैं उनको भगवान मानता हूँ, एक महापुरुष मानता हूँ, देवता मानता हूँ, और मैं उनकी पूजा करता हूँ। मैं खिलाड़ी हूँ और हम लोग खिलाड़ी लोग जो हैं हमेशा शक्ति की पूजा करते हैं। शक्ति शक्ति की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और हनुमान जी भगवान हनुमान जो थे वो शक्ति के पूरक थे, और खुद भी कुश्ती भी लड़ते थे, खिलाड़ी भी थे। तो हम लोग सब उनके भी जितने भी कुश्ती हैं, पहलवान लोग हैं, सब जगह जो है उनका स्थान रहता है, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं हम लोग। मैं उनको वही मानता हूँ। भगवान की कोई जात नहीं होती, साधु संत की कोई जात नहीं होती है, फकीर की कोई जात नहीं होती है, और उसी प्रकार से हम हनुमान जी को भगवान मानते हैं, और हम उनको, मैं कम से कम उनको भगवान ही मानता हूँ। हम उनको मैं उनको जाति में नहीं बांटना चाहता हूँ। मैं हाँ कि कांग्रेस की बहुत भारी विजय हुई है, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता हूँ। हाँ, छत्तीसगढ़ में उनकी विजय मैं मानता हूँ, बाकी जगह पे मध्य प्रदेश में हमें उनसे ज़्यादा वोट मिली है, और राजस्थान का जहाँ तक सवाल है 0.04% ही सिर्फ हमसे, यानी 1% भी वोट ज़्यादा नहीं मिला है। तो भैया आंकड़े के हैं, और कई बार वोटों का विभाजन हो जाता है, इसलिए बीजेपी पीछे रह गई है। कहीं से कहीं मैं इसको हार नहीं मानता हूँ। हाँ ठीक है, आंकड़ों में हो सकता है कि मैं हो गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 3 बार वहाँ पर सरकार बना चुकी है। उसके बावजूद भी अगर सही माने तो अगर विरोध होता जनता के, हमारे खिलाफ होती जनता बीजेपी, तो फिर बहुत भारी हार होनी चाहिए थी, फिर हमारी 30 सीटें आनी, 25 और 30 सीटें आनी चाहिए थी। लेकिन मैं नहीं मानता हूँ कि वहाँ पर कोई बीजेपी के की बहुत भारी हार हुई है। हाँ ठीक है, आंकड़ों में हार जीत हो गई है, और वापसी बिल्कुल करेगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इन्होंने जो वादे किए हैं कि 2 लाख रुपये का लोन इन्होंने माफ़ तो कर दिया, बोल दिया हमने 5 दिन में कर दिया, व्यवहारिक बात अलग है, माफ हो जाने दीजिएगा, प्रक्रिया पूरे हो जाने दीजिएगा, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। देखिए अभी तक तो इसकी कोई मेरे पास पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए मैं इसमें कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन राम मंदिर था, है और बनेगा।